1 नवंबर 1966 को हरियाणा का जन्म हुआ था और अब हरियाणा को बने 49 साल हो गए हैं। इसी साल को गोल्डन जुबली के तहत मनाने के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कई मंत्रियों के साथ यमुनानगर पहुंचे। यहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। खट्टर ने इस मौके पर कहा कि हरियाणा का ये 50वां साल यादगार होगा और इस साल में हरियाणा में अनेकों विकास कार्य होंगे। वहीं सीएम ने कहा कि एक साल के अंदर वह 11 बार यमुनानगर में आए लेकिन शहर के बीच उनका आना नहीं हुआ, लिहाजा अब वह शहर के बीचों बीच आए हैं तो वह शहर में होने वाले विकास कार्यों को बाखूबी कराएंगे। सीएम ने अपने एक साल की सरकार के हुए काम काज का बाखूबी बयान किया और बताया कि उनके राज्य में लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिल रहा है और आने वाले समय में लोगों को किसी को एक रुपया भी देने की जरूरत नहीं होगी और उनके सभी काम हो जाएंगे। इसके लिए वह सोशल ऑडिट कमेटी बनाने जा रहे हैं जो गांव स्तर पर होगी और हर काम में उस कमेटी का दखल होगा। बंदा वीर बरागी के नाम से रोगड़ में बनाया जाएगा ताकि ये भी हमारे टूरिज्म के तरह उपयोगी हो सके। हमारा वन विभाग, हमारा सिंचाई विभाग, हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट, ये सब लोग मिलकर के और ये सिंचाई ये अपना शिवालय का एरिया इसको विकसित करेंगे जिसका लाभ स्वाभाविक रूप से रोजगार के नाते अपना ये जिला यमुनानगर जिला, अंबाला जिला और पंचकूला जिला तीनों को बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला है। मित्रों भाइयों बहनों, आज कुछ मांगे रखी गई हैं, सामान्यतया जो बातें कही गई हैं सभी मैं समझता हूँ यहाँ के लोगों की आवश्यकता के हिसाब से एक ठीक सूची बनाई गई है। तो भी जानकारी के नाते से दो योजनाएं ऐसी हैं जो रेलवे के साथ जुड़ी है, चाहे वो कैद कलानौर रोड का जो अंडरपास है, अंडरपास तो पहले से है लेकिन बड़ा अंडरपास बने जिसमें से बस और ट्रक भी निकल जाए, इसलिए उस अंडरपास को बड़ा बनाया जाएगा, लगभग 15 करोड़ का उसको खर्च आएगा। यमुनानगर से आजाद टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।